जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून गुजरात राजा मोहम्मद असलम खान ने अपने बयान में कहा कि पेट्रोल, चीनी, आटा, सुई गैस, बिजली, एलपीजी समेत दीगर अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। मौजूदा हकूमत अव्वल दिन से आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर रही है, गरीब तबका को किसी भी तरह का रिलीफ मयसर नहीं। उन्होंने गुफ्तगू में मजीद कहा के कर्ज न लेने की दावेदार हकूमत ने गुज़िश्ता 3 सालों में तारीख साज कर्ज लिए हैं। हकूमत IMF के सामने घुटने टेक कर कर्ज लेने के लिए हर शर्त मानने को तैयार, आम आदमी को रिलीफ देने से इनकारी है। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून ने मजीद कहा कि हकूमत के झूठे वादे पाकिस्तानियों के लिए वबाले जान बने हुए हैं। PDM की तहरीक से अवाम के अंदर महंगाई और हकूमत की नाकाम पॉलिसियों का बेदार हुआ है। हकूमत को गिराने के लिए इनके वज़रा की बयानबाजी ही काफी है। उनका मजीद कहना था कि झूठे वादों से अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे और ना ही हकूमत की नाअहली छुप सकती है।